हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड नाइन। आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं शिल्पी हूँ। मैं पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड हॉल रिलेटेड वीडियोस ऑल्टरनेटिव डेज एंड कभी कभी तो डेली भी। आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो एंड मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है तो जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, आपको उसको प्रेस करना और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाना है। तो आज का जो हॉल वीडियो होने वाला है वो होगा मीशो टॉप हॉल। इसमें मैं आपके साथ 10 टॉप शेयर करने वाली हूँ। कुछ न्यू टॉप परचेज किए हैं, कुछ आफ्टर वॉश का रिव्यू दूंगी, बिकॉज इतने सस्ते टॉप होते हैं ना तो आफ्टर वॉश को लेके ना बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कभी कलर निकल जाएगा, रिप्ड का है तो उसका फैब्रिक ना खराब हो गया। तो इसको लेके मैं सारा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल भी वीडियो जो है स्पॉन्सर नहीं है, मेरे खुद के पैसे सारे टॉप परचेज किए हुए हैं। तो जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू होगा वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप वीडियो आपके लिए अच्छी लगे और आपको पसंद आए और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो भी स्टार्ट कर लेते हैं। समर्स अभी आ गई है, मेरे इधर तो काफी गर्मी हो गई है। मैंने तो समर का कलेक्शन ढूंढना भी शुरू कर दिया और पहनना भी शुरू कर दिया है। देख ही रहे होंगे आप, अच्छी खासी गर्मी हो गई है इधर। तो मैं आपके साथ कुछ समर्स के ही इसमें आज टॉप शेयर करने वाली हूँ। क्रॉप टॉप भी होंगे, पार्टी वेयर टॉप भी होंगे, कुछ सेटन वेटन के एंड अफोर्डेबल है, अंडर 500 रुपीज सारे टॉप होंगे और आपको क्या चाहिए काफी अफोर्डेबल होने वाला है। फर्स्ट टॉप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसका कलर बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। कुछ उसका ना रस्ट कुछ वाइन सा शेड मिल जाता है। कलर मुझे इसका बहुत प्रिटी लग रहा था। क्रॉप टॉप है ये, एक्चुअली रिप्ड वाला ये टॉप है। यहाँ पे ऐसे इसका वी नेक मिल जाता है, छोटी स्लीव्स है, फिटेड वाला है। इस टाइप के टॉप अगर आप अपनी कोई लूज फिट जीन्स के साथ पहनेंगे ना तो बहुत ही अच्छा आउटफिट लगेगा। इसका मुझे मटेरियल बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले एक स्ट्रीट स्टाइल स्टोर का विजिट शेयर किया था, तो मैंने आपको बोला था कि जो रिप्ड की क्वालिटी थी वहाँ के टॉप की मुझे उतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी, उससे अच्छी आपको इसमें रिप्ड की क्वालिटी मिल जाती है। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है कि हम एक बार विजिट नहीं कर पा रही। यहां से भी आप अच्छे टॉप परचेज कर सकते हो मीशो से। मुझे इसकी रिब की क्वालिटी ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी है। आई थिंक 300 रुपीज में है ये वाला टॉप, उस अकॉर्डिंग मुझे ये टॉप काफी अच्छा लग रहा है। इसमें आपको आई थिंक 4 to 5 कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे एंड इसमें जो मेरा साइज है वो है मीडियम, मैंने मीडियम परचेज किया है इसका। और इसका लेंथ ऐसे बहुत क्रॉप भी नहीं है, लेकिन अगर आप हाई वेस्टेड जींस के साथ पहनोगे ना तो ये प्रॉपर आने वाला है। तो इस वाले टॉप के लिए तो बिग थम्स अप है, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। नेक्स्ट अब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगेन वो रिब में ही है टॉप। लुक एट दिस, इसमें ना पूरा ऐसे फुल स्लीव्स मिल जाती है और यहाँ पर ऐसे कुछ स्लीव्स पे ऐसे डिटेलिंग है और यहाँ पे ऐसे 2 स्ट्रिंग दी हुई है जिसको आपको ऐसे खींचना है, यहाँ पे नोट कर लेना है। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे स्क्रंचीज टाइप बन जाएगा। तो इसका लुक मैं आपके साथ पहन के दिखाऊंगी, काफी अच्छा लग रहा था। इसका कलर है मिंट ग्रीन, इसमें भी आपको 4 to 5 शेड मिल जाएंगे। इसमें जो मैंने अपना साइज पिक किया है वो है मीडियम और नीचे से भी ना आपको ऐसे डिटेलिंग मिल जाती है। इस टाइप के टॉप भी आपकी फिटेड जीन्स के साथ भी अच्छे लगेंगे। इवन आप जैसे मैंने बताया कि लूज फिट क्या होता है शिल्पी, लूज फिट जीन्स है जैसे बैगी जीन्स या फिर बूट कट जीन्स के साथ आप पहनोगे ना तो काफी अच्छा आएगा। इससे आपका फिगर शेप भी बहुत अच्छी आने वाली है, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। एंड इसका लेंथ ना क्रॉप नहीं है, इजिली आप इसको वियर कर सकते हैं, कलर ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। तो मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी और इसका जो प्राइस है आई थिंक 450 के अप्रॉक्स है या उससे भी कम ही होगा। तो नेक्स्ट मैंने टॉप परचेज किया है ये। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है टॉप वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड एंड बहुत ही सेक्सी सा टॉप है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये ना ऐसे सेटन में है, इसमें से पूरा पीछे से ये बैकलेस रहने वाला है। तो जो गर्ल्स बैकलेस एंड इस टाइप के टॉप में कंफर्टेबल है तो आप इस वाले टॉप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें ना यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ करके आपको इसे पीछे नोट कर लेना है, पीछे यहाँ से भी आप ऐसे नोट कर सकते हैं इसको। तो और इस तरह से भी इसको वियर कर सकते हैं, 2-3 तरह से आप इस वाले टॉप को वियर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसका मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था, ये मिल जाता है कुछ टर्किश ब्लू कलर है ये, आई थिंक मैंने सही नाम लिया हो कलर का। कलर में ना मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहती हूँ, अगर मैंने गलत किया हो तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बता दीजिएगा। इसमें ना डबल लेयरिंग मिल जाती है सेटन की भी,
यहाँ पे आपको ऐसा सिंगल पीस नहीं है, डबल लेयरिंग का आपको मिल जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी कोई भी लाइट कलर की पैंट्स के साथ, आपको कुछ ना ऐसा कॉकटेल है या फिर कुछ आपको किसी की बर्थडे में जाना है, खुद की भी बर्थडे एंड कुछ आपको बोल्स आउटफिट चाहिए, तो आप इस वाले टॉप को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इस वाले टॉप के साथ ना आप बूब स्ट्रेप को यूज़ कर सकते हैं, जैसे इवन मैंने अभी एक टॉप पहना हुआ है ना आप देख सकते हैं, तो इसमें भी मैंने अपनी बूब स्ट्रेप होती है, या फिर निपल पेस्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। निपल पेस्टी अगर हैवी बर्स्ट है तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है, तो इसलिए जो बूब स्ट्रेप होती है मैंने अमेजोन से कुछ दिन पहले परचेज की है, वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है एंड आपको कितना ही पूरा दिन घूमना हो उसके लिए भी वो काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ उसका पूरा रिव्यू शेयर करूँ तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता दीजिएगा। इसमें ऐसे टू स्ट्रिंग्स हैं जिसको आप पीछे आप नोट कर सकते हो, तो ये वाला टॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। नेक्स्ट मैंने जो परचेज किया है, आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था एक वीडियो में, वो है ये टी शर्ट। इस टाइप की जो टी शर्ट है ना, अभी समर्स के लिए आप बहुत यूज़ करने वाले हो, तो कलरफुल है, पूरा स्प्रिंग वाली आपको वाइब्स भी देंगे और समर वाली वाइब्स भी देने वाली है। यहाँ पे ये इसकी जो डिटेलिंग है वो रिब में है, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है और ये बहुत क्रॉप नहीं है, फिटेड में है ये भी। और इसमें जो मैंने अपने साइज पिक किया है वो है स्मॉल, इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आगे जैसे डिज़ाइन है ना वैसे ही सेम आपको पीछे भी डिज़ाइन मिल जाता है। तो मुझे इस टाइप के जो टॉप होते हैं ना कलरफुल आपने वो सारे कलरफुल ही लिए हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये वाले टॉप आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट मैंने जो परचेज किया है वो है ये एक ब्लैक कलर का मॉक नेक, हाफ में ही है रिब में, इस बार आपको रिब वाले टॉप काफ़ी मिलेंगे देखने को, वो है ये टी शर्ट। ये वाली टी शर्ट आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो, इस टाइप की जो टी शर्ट होगी वो बहुत यूज़ होने वाली है, रिब में है ये वाली टी शर्ट भी, और ये पूरा ऐसे इसका मॉक नेक मिल जाता है, पूरा बंद नेक है, तो आप अपनी जीन्स के साथ, अपनी स्कर्ट के साथ, शॉर्ट्स के साथ इसको वियर कर सकते हो, इवन अपनी साड़ी वगैरह के साथ भी आप इसको वियर कर सकते हो, उसके साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसमें जो मैंने अपना साइज पिक किया है वो है स्मॉल, इसमें भी आपको ना कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, आई थिंक 5 to 6 शेड ऑप्शन है कलर के, रेड कलर है, व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, पीच कलर है, बहुत सारे कलर ऑप्शन है, लेकिन मैंने इसको ब्लैक कलर पिक किया एंड ये भी थोड़ा क्रॉप है। आज का जो कलेक्शन है वो थोड़ा सा क्रॉप टॉप का ही होने वाला है, बिकॉज बहुत टाइम से मैंने आपके साथ कोई क्रॉप टॉप नहीं शेयर किए थे एंड अभी और भी बहुत सारे मैं आपके साथ जीन्स भी एंड नॉर्मल टॉप का हॉल वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट में जो शेयर करूंगी वो मैंने टॉप जो पहन रखा है वो है वन साइडेड है, शोल्डर में कुछ इस टाइप से इसका लुक आता है, मुझे इस टाइप के जो वन शोल्डर टॉप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप इस टाइप के टॉप में कंफर्टेबल हो तो आप ज़रूर चेक कर सकते हो, ये टॉप काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सॉलिड में है, आप इनको अपने इंडियन वेस्टर्न दोनों के साथ वियर कर सकते हो, कोई स्कर्ट के साथ, लॉन्ग स्कर्ट के साथ भी एंड अपने साड़ी के साथ भी आप इनको वियर कर सकते हो, उसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा प्यूटी लगते हैं। इसका जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छा, लाइक जैसे सेंडो टाइप फैब्रिक होते हैं ना, स्ट्रेचेबल वाले फैब्रिक जो होते हैं वो उस टाइप का ये फैब्रिक मिल जाता है। नेक्स्ट अब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो होंगे आफ्टर वॉश के रिव्यू, आई थिंक मैंने आपको इनको आपके साथ शेयर कर चुकी हूं मैं, वो है ये टी शर्ट। इसका जो फैब्रिक है जैसे मैंने इसको परचेज किया था ना सेम वैसे का वैसे ही है, और मैंने इसको नॉर्मल मशीन में वॉश किया, करना नहीं चाहिए लेकिन मैंने एक दिन कर दिया ऐसी। इसका जो ये जो रिब्ड का था ये वो फिर भी नहीं ऐसे लूज हुआ, जैसे इसका मेरे को रिसीव हुआ था ना, तो सेम वैसे का वैसे ही रिसीव हुआ है। कलर इतना ज़्यादा प्रिटी है, बहुत इंस्टाग्राम स्टोर पे आपने इस वाली टी शर्ट को देखा होगा लास्ट समर में, तो मैंने भी तभी परचेज किया था इसको, और इसका फैब्रिक ऐसे का ऐसे ही रहा है। नेक्स्ट सब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये एक शर्ट, ये भी मैंने मीशो से परचेज की थी, कॉटन में थी, मुझे लग रहा था इसका जो प्रिंट वगैरह है ना वॉश के बाद निकल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रिंट है इस पे, तो बहुत ही मस्त लगती है ये वाली शर्ट ना शॉर्ट्स के साथ में, इसको क्योंकि लूज फिट है शॉर्ट्स के साथ पहन लेती हूँ, और ये मैंने मैन वाले सेक्शन से परचेज की थी। कभी कभी है ना अगर आपको लूज फिट टी शर्ट या शर्ट चाहिए ना, तो आप मैन वियर को भी ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे आपको काफ़ी फनी एंड काफ़ी यूनिक चीज़ें दिख जाएंगी, अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो। इसका आप लेंथ देख सकते हैं, प्रॉपर एंड हाफ में शर्ट है, तो मैं इसको एज अ लेयरिंग की तरह यूज़ कर लेती हूँ, या फिर टक इन करके तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन एज अ लेयरिंग यूज़ कर लेती हूँ, तो इसका जो मटेरियल है सेम रहा, और प्रिंट जो है कलर प्रिंट बिल्कुल भी नहीं निकला है, जैसे मैंने परचेज किया था सेम वैसे का वैसा ही है। नेक्स्ट अब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ये कॉटन में कुर्ती, आई थिंक ये मैंने आपके साथ कुर्ती हॉल में शेयर की थी, मीशो से मैंने परचेज की थी। इस कुर्ती की मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतना कम है, आई थिंक मैं उसको 4 to 5 टाइम वॉश कर चुकी हूँ, और इसका जो कॉटन का मटेरियल है ना वो बिल्कुल सेम है, एंड आप देख सकते हैं प्रिंट भी जैसा मेरे को रिसीव हुआ था ना सेम वैसे का वैसे ही है, जरा सा भी इसका
प्रिंट खराब नहीं हुआ है, इसमें साइड में पॉकेट की भी डिटेलिंग थी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कुछ कुर्ती हॉल भी शेयर करूँ ना, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज बहुत गर्ल्स कुर्ती में कंफर्टेबल होती है, तो मैं ट्यूनिक कुर्ती आपके साथ शेयर कर दूंगी। साइड में ऐसे इसमें पॉकेट्स की डिटेलिंग भी थी, तो मैं इसको अपने प्लाजो के साथ, अपने पैंट्स के साथ, लेगिंग के साथ इसको बहुत ज़्यादा मैं स्टाइल करती हूँ। बस ये था मीशो से टॉप का कलेक्शन, कुछ आफ्टर वॉश का भी रिव्यू था, बिकॉज गर्ल्स का जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा अगर आप इस टाइप का कुछ लेने का सोच रहे हैं तो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो एंड आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो एंड पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस करके। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।